मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आई एम योर प्रीथा मैम, योर ईवीएस टीचर। हम लोगों ने कल क्या किया था, लास्ट हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइव्स का सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए है ना। तो आज हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर है। ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स एंड विल स्टार्ट रीडिंग टुडे। ग्रीन वर्ल्ड, ओपन योर बुक, केम टू द पेज 23, चैप्टर 6, आवर बॉडी, यूनिट 2, आवर बॉडी एंड इट्स फंक्शंस। आवर बॉडी हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी तरीके की पार्ट्स से बने हुए हैं। ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज कॉल्ड एन ऑर्गन। ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, इसको सारे एक एक को बॉडी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, वी कैन सी सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो कुछ ऑर्गन है वो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी आंखें जो होती है, हमारी नाक जो होती है, हमारी फेस, टोटल फेस जो होती है, जो भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर होती है, वो हमें कुछ कुछ उसमें कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर से दिखते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं। द हेड, सेंस ऑर्गन्स एंड द लिम्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो सर है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। जो लिम्स है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल्स बॉडी ऑर्गन्स है। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट विजिबल। कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऐसा होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो विजिबल नहीं होता है। दे आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, वो कहाँ होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, वो क्या होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हम सुनते हैं ना आवर ब्रेन, लेकिन हम ब्रेन को देख सकते हैं, हम तो हेड को देख पाते हैं, ब्रेन को तो नहीं देख सकते क्योंकि हेड के अंदर ब्रेन होते हैं। सो ब्रेन जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन है। सेम द लंग्स, हम लोग लंग्स के बारे में सुना है, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, हम लोग जो ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं उनमें मदद करते हैं, वो लंग्स जो है वो भी हमारे, हम लोगों ने सिर्फ सुना है, देख तो हम रोज़ के दिन में नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सेम विद हार्ट, हार्ट बीट्स हम लोगों ने सुना है, हार्ट बीट सुनाई तो देता है बट हमें दिखाई तो देता नहीं है, हार्ट भी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये जो सारे है ये हम इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स है ये सारे। ईच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो सारे ऑर्गन्स है, ये हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, मतलब हर एक स्पेसिफिक काम करते हैं बॉडी में हमारे। सम ऑर्गन्स परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पम्प्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे हार्ट है वो क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड होती है वो सारे बॉडी में पंप्स कर देते हैं। सम ऑर्गन्स परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन, कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बहुत काम करते हैं हमारे बॉडी में, बहुत फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द किडनीज रिमूव वेस्ट एंड रेगुलेट वाटर इन द बॉडी। किडनी क्या करते हैं, हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं स्पेशली, उनको क्या करते हैं, उनको उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं और बाकी जो वाटर है उसको सारे बॉडी में रेगुलेट कर देते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम। एक ग्रुप के ऑर्गन्स जो मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो क्या करते हैं, एक ही टाइप के फंक्शन करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द डाइजेस्ट सिस्टम आर सम ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। द स्केलेटल सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो पूरा अंदर, जैसे हम लोग ब्रीद इन किया ऑक्सीजन, फिर हम ब्रीद आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड, ये टोटल जो प्रोसेस होता है ना, ये टोटल प्रोसेस जो ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं वो सारे ऑर्गन्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिना जाता है। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी उन खानों में से हम लोगों की न्यूट्रिशन होती है, बॉडी को मिलती है, कैसे वो सारे बॉडी में वो खाना ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड, ये जो चीज़ें होती है ये डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं।
ठीक है। नाउ आवर इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज मेड ऑफ सम हार्ड थिंग्स कॉल्ड बोन्स, हमारे बॉडी जो है कुछ हार्ड थिंग्स से बने हुए हैं। वो क्या है? बोन्स मतलब हमारे जो हड्डियाँ होती है ना, वही चीज़ है। बोन्स आर नॉट विजिबल, बोन्स हम दिख पाते हैं नहीं ना, वो हमारे स्किन के बहुत अंदर है बोन्स। वी कैन फील देम, ऑब्वियसली हम जब हमारे बॉडी टच करते हैं तो कुछ हार्ड हार्ड सा फील होता है, तो वही हमारे बोन्स होते हैं, तो वी कैन फील देम। बोन्स इन द बॉडी जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम, जो ये सारे बोन्स होते हैं वो जॉइंटली क्या फॉर्म करते हैं? स्केलेटल सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी की जो मेन स्केलेटल है वो फॉर्म करते हैं बोन्स। द फ्रेम ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन, फ्रेम ऑफ बोन, ये जो जितने भी बोन्स दिख रहे हैं ये जो एक ह्यूमन बॉडी का फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन बोलते हैं, राइट? ह्यूमन स्केलेटन है ये एक। द गिवन पिक्चर शोज द ह्यूमन स्केलेटन, ये क्या है? एक ह्यूमन स्केलेटन है। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन, 206 बोन्स। एक एडल्ट जो इंसान होता है उनके बॉडी जो है 206 बोन्स से बने हुए हैं, एक दो बोन से नहीं बने हुए हैं, कितने बोन्स है? 206 बोन्स से। एट बर्थ अ ह्यूमन बेबी हैज़ 350 बोन्स, जब एक बच्चे ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है, जब बहुत छोटू सा एकदम बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न, तो उनके बॉडी में 350 बोन्स होते हैं। एज द बेबी ग्रोज इन टू एन एडल्ट सम बोन्स फ्यूज टूगेदर, जैसे जैसे एक बच्चा ग्रो करता है बॉडी में अंदर जो वो 350 बोन्स होते हैं उसमें से कुछ बोन्स क्या होता है? एक साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है। द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो हमारे बॉडी के बोन्स है हड्डियाँ है वो एक ही सेम साइज़ के नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स के होते हैं। जैसे देखो ये तुम्हें बड़े दिख रहे हैं जो हैंड्स के ये बोन्स दिख रहे हैं, बट ये जो रिब केज है यहाँ का बोन्स अलग टाइप के शेप है, अलग टाइप का साइज है ना। तो ऐसे हर एक बोन्स का देखो शेप एंड साइज अलग 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 है। फोर लिम का अलग है, रिब केज का अलग है, स्कल का अलग है, बैकबोन का अलग है, हिंड लिम का अलग है। तो ऐसे हर एक बोन का स्ट्रक्चर एंड शेप अलग है। द बोन्स ऑफ आवर हेड शोल्डर्स एंड हिप्स आर फ्लैट, जो हमारे हेड का बोन्स होते हैं, शोल्डर का बोन्स होते हैं, एंड ये देखो शोल्डर का बोन्स, हेड का बोन्स, और जो हमारे क्या है हिप्स का बोन होता है वो फ्लैट स्ट्रक्चर के होते हैं। द बोन्स ऑफ आवर लिम्स आर लॉन्ग, जो हमारे लिम्स के बोन्स होते हैं वो होता है लॉन्ग, ये लॉन्ग है ना, ये सारे देखो लॉन्ग है, ये पैर के जो हड्डियाँ है, ये हाथ के जो हड्डियाँ है, ये लॉन्ग है। आवर पाम्स एंड फीट हैव शॉर्ट बोन्स, हमारे हाथ में और हमारे कहाँ पे पैर के यहाँ पे फीट में जो बोन्स है वो देखो छोटे छोटे से है, शॉर्ट बोन्स। The backbone has an irregular shape as it is made up of many small bones. हमारे जो backbone होते हैं ना वो देखो spring जैसा है, काफ़ी ऐसे type का है, कोई irregular shape नहीं है, irregular shape है, बहुत छोटे छोटे bones से बने हुए हैं वो। Now fact file पे देखते हैं। Bones are made up of calcium, phosphorus and protein. These substances give hardness to the bones. Bones जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? Calcium, फॉस्फोरस और प्रोटीन, ये जो सब्सटेंसेस है ये बोन्स को हार्डनेस देता है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि प्रोटीन्स खाया करो बॉडी अच्छा ग्रो होगा, कैल्शियम खाया करो तो फिर बॉडी का जो बोन्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा, है ना, टूटेगा नहीं आसानी से। तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन से ही बनते हैं, और ये जो चीज़ें होती है ये अगर हम ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बॉडी को अच्छे से डाइट देंगे तो बोन्स की जो हार्डनेस होगी वो बहुत अच्छी होगी, टूटेगा नहीं आसानी से, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, फंक्शंस ऑफ आवर स्केलेटन, स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है वो बोल रहे हैं अभी। द स्केलेटन गिव्स अ पर्टिकुलर शेप टू आवर बॉडी, ये जो हमारे स्केलेटन की हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटन की फ़ोटो देखा है, ये जो है ये हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है, एक पर्टिकुलर शेप देता है, क्योंकि हमारी आंखें एक जगह पे है, हेड एक जगह पे है, नोज एक जगह पे है, कान है, हाथ है, पैर है, सारे ऑर्गन्स जो प्रॉपरली शेप्ड में हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केलेटन। इट सपोर्ट्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ये सपोर्ट करता है।
इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स इन द बॉडी. ये और क्या हेल्प करता है, हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. जो ब्रेन होता है हमारे, जो इंटरनल ऑर्गन है, हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या होता है, हमारे स्कल के अंदर होता है ना. तो स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी. हमारी जो स्कल होती है, ऐसे देखो, जो स्कल होती है इसके अंदर ब्रेन रहती है. तो वो जो ब्रेन होता है, ये स्कल क्या करता है, उस ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी इंजरी जल्दी से ना हो. इस वजह से द रीब केज इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रीब्स. हम लोगों ने क्या देखा था, वो रीब केज का, ये रीब केज का जो फोटो देखा था, ये जो टोटल रीब केज है, ये टोटल जो पार्ट है, ये रीब केज है, ऐसे ऐसे करके जो है ना, रीब केज है. ये रीब केज जो है ये क्या करते हैं, रीब केज इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रीब्स. द रीब्स आर थिन फ्लैट एंड कार्व्ड बोन्स. रीब जो होते हैं वो क्या होता है, कार्व्ड होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट बोन्स होते हैं. द रीब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स. ये जो रीब केज है, ये रीब केज के अंदर हमारे दिल, मतलब हमारे हार्ट और लंग्स रहते हैं. ये रीब केज उस हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे स्केलेटन की जो फंक्शन है वो क्या है, टू गिव आवर बॉडी अ प्रॉपर पर्टिकुलर शेप, सपोर्ट आवर बॉडी एंड टू हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड द डेलिकेट ऑर्गन्स. प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और जैसे कि जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होते हैं, स्कल के अंदर ब्रेन रहता है, तो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. सेम वे क्या, रीब केज क्या करता है, रीब केज जो है वो क्या करते हैं, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो हम लोग आज जो है इतने तक पढ़ लिया है. आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, और कोई भी चीज़ें आपको समझना है, प्रॉब्लम हो, आप मुझे पूछोगे व्हाट्सएप में. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा. आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करना है, समझते हुए रीड करोगे अच्छे से. कोई भी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, यू विल टेल मी वाय थ्रू व्हाट्सएप. ओके, टिल देन थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, रीड प्रॉपरली दिस चैप्टर. ओके.